हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हमने पूरा हिस्ट्री बताया था, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताया था, और आप लोगों के जो है एक मैसेज आए हैं, कमेंट्स मिले हैं कि इसको अगर डिटेल से बताते तो अच्छा रहता। तो फ्रेंड्स आज मैं इस चीज़ के लिए मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स मेनली मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर का जो पहला आविष्कार हुआ था, कंप्यूटर का जो खोज किया गया था, उसका मेन उद्देश्य ही था कि गणितीय गणना करना। इसी पे जो है हमारे जाने माने गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने जीरो और एक का खोज किया था। जीरो एक का खोज ही जो है वो कंप्यूटर को बनाने में बहुत मददगार साबित हुआ, जिसमें सबसे पहला मैकेनिकल मशीन तैयार हुआ जो पास्कल के नाम से हुआ, जिसका चाइना में आविष्कार हुआ। उसके बाद 1616 ईस्वी में मैकाले ने जोड़ घटाव गुना भाग करने का खोज किया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से आगे मतलब डेवलप होते गया आगे बढ़ने के, तब जा करके 1664 ईस्वी में एक पास्कल कैलकुलेटर मैकेनिकल मशीन तैयार हुआ, जिसको कि पास्कलिन नाम करके नाम दिया गया, और उसको जो है पास्कल, चूँकि पास्कल वैज्ञानिक का नाम था तो इसलिए पास्कल कैलकुलेटर के नाम से रखा गया। उसके बाद फ्रेंड आगे आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं तो फिर आते हैं मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जिसमें कि दो इंजन का निर्माण हुआ, जिसमें आपको एक एनालिटिकल है और डिफरेंस इंजन है, जो मैं कल चर्च किया था। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इसका हिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स कुछ और भी डाउट थे जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हिस्ट्री में आते हैं तो हम लोग का जनरेशन में प्रॉब्लम होता है, कि किसी का जनरेशन में क्या होता है, बोलते हैं कि ईस्वी में आप सही से नहीं बताएं, ईस्वी का कोई दिक्कत है। तो मैं ईस्वी क्लियर कर देता हूँ कि जो ग्रॉस जनरेशन था ना वो 1964 से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। ग्रॉस जनरेशन जिसको शून्य अवस्था बोलते हैं, उसका क्या चीज था कि आपका 1964 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन जो आया वो 1945 में आया है। उसके बाद जो है 10 साल का डिफरेंस होते गया, यानी कि 1945 में फर्स्ट जनरेशन हुआ जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब बेस रखा गया। फिर सेकेंड जनरेशन जो था वो 1955 में आया, 1955 में सेकेंड जनरेशन आया जिसका बेस रहा था ट्रांजिस्टर, ठीक ना। और फिर थर्ड जनरेशन आया था जैसा मैं बताया था, तो थर्ड जनरेशन फिर कितने का होगा, तो वो 1965 होगा, ठीक ना। 1965 में थर्ड जनरेशन आया जिसमें बेस था आईसी था। उसके बाद फिर फोर्थ जनरेशन आया जो 1975 था। तो ये फोर जनरेशन मैक्रो प्रोसेसर पे था, और इसके बाद इन्वेंशन चल रही है फिफ्थ जनरेशन के लिए, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, अंडर डेवलपमेंट चल रहा है। तो फ्रेंड ये कुछ थे आपके जनरेशन को लेकर के थे, जिसमें कि बोल रहे थे बहुत लोग कमेंट्स किए थे कि हिस्ट्री उसमें बताना चाहिए था, तो मैं हिस्ट्री क्लियर कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद हम लोग आते हैं का जो फीचर क्या रहा, फीचर उसकी विशेषता क्या चीज था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की तीन विशेषताएं थी, एक था एक्यूरेसी था, एक स्पीड था, और तीसरा मेमोरी था। ये तीनों बेस को देखते हुए कंप्यूटर का फीचर को बनाया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ही था, कल तक हम यहाँ तक बताए थे आप लोग को। उसके बाद मैं बताया था कि कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ पे काम करता है मेनली, एक हार्डवेयर पे काम करता है, एक सॉफ्टवेयर पे काम करता है। तो अब हम लोग को जानना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यहीं तक मैंने कल बताया था, अब क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जानने से पहले मैं थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर देता हूँ, ताकि कुछ छूटे नहीं। तो बात आती है छोटी सी बात कि आखिर कंप्यूटर है क्या, ठीक ना। तो कंप्यूटर के जो है वो परिभाषा है, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो बहुत सारे बड़े बड़े मतलब परिभाषा दिए गए हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी शब्द में आपको बता दूंगा कि कंप्यूटर क्यों होता है। तो कंप्यूटर
जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक ना, जो क्या करता है कि डाटा को प्रोसेसिंग के माध्यम से कन्वर्ट करता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि मान के कोई भी डाटा हम डालते हैं तो वो प्रोसेस करता है, उसके बाद एक इंफॉर्मेशन को देता है, इसी को हम कंप्यूटर बोलते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोग? अब यहाँ पे आती है बात, छोटी छोटी सी बात को ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बोले, इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं बोले। तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि कंप्यूटर जो है वो जब भी हमारा इलेक्ट्रिक से चलता है तो वो डायरेक्ट नहीं चलता, वो इनडायरेक्ट रूप में चलता है ना। तो इसको समझेंगे बात को। उसके बाद हमको छोटा सा बात समझना है जो मैं बताऊंगा तुमको कि कंप्यूटर वर्क कैसे करती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई डाटा है, इसको कोई डाटा है, जब हम किसी चीज को वहां पे टाइप करते हैं, लिखते हैं, सपोज कीजिए कि आपने लिखा, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ। जब प्रोसेस सारा चीज कर लिया तो मुझे ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा, बात को समझ गए? तो डाटा फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर इंफॉर्मेशन मिलता है। अब आगे हम लोग जानेंगे डाटा में कैसे, तो कुछ डाटा के लिए जो हार्डवेयर यूज होगा तो वो कीबोर्ड होगा, डाटा के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाएगा। अब प्रोसेसिंग आते हैं, तो प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज किया जाएगा, सीपीयू का यूज किया जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ मिलता है, डिस्प्ले पे मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉनिटर। तो इस तरह से जा करके कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। तो फ्रेंड इस चीज को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, याद समझ के, छोटी सी बात है, मैं तो चलो बता दूँ तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, तो ये जानना जरूरी है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि हार्डवेयर किसको बोलेंगे और सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आज क्लास बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं अपना क्लास अब यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट।